हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपना नेविगेशन ड्रॉअर कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि हम अपने ड्रॉअर के अंदर मेन्यू कैसे लगाते हैं, उन मेन्यू आइटम्स पर क्लिक कैसे पकड़ते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम नेविगेशन ड्रॉअर कैसे बनाते हैं। नेविगेशन ड्रॉअर बनाने के लिए हम ड्रॉअर लेआउट का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर दो चाइल्ड होते हैं हमारे। ये जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड होता है, ये हमारी मेन स्क्रीन पर आता है, और ये जो हमारा सेकेंड चाइल्ड होता है, ये स्लाइड होकर आता है। तो इस तरीके से हम अपना ड्रॉअर लेआउट इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब देखते हैं कि इस ड्रॉअर लेआउट के अंदर हम मेन्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास एक व्यू होता है जो हमारी डिज़ाइन लाइब्रेरी में डिफाइंड है, तो उसका हम यूज़ करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा एक नेविगेशन व्यू है जो हमारी डिज़ाइन लाइब्रेरी से आ रहा है। तो इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। इसको मैं दूंगा मैच पेरेंट और इसको भी दूंगा मैं मैच पेरेंट। तो ये हमारा मेन्यू अपने आप हैंडल करता है। इसके अंदर भी हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंड्रॉइड कोलन लेआउट ग्रेविटी, और इसको मैं वैल्यू दूंगा स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरा नेविगेशन व्यू आ चुका है। तो उसके बाद देखते हैं कि हमारे मेन्यू के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा मेन्यू है और ये हमारी मेन्यू आइटम्स हैं। तो जितनी भी हमारी रिलेटेड मेन्यू आइटम्स होती हैं, उनको हम ग्रुप में डालते हैं और हम ये कहते हैं कि इस ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही आइटम सेलेक्ट हो सकती है। तो यानी हमारे पास एक मेन्यू होता है, उसके अंदर हमारे पास ग्रुप होता है और हर ग्रुप के अंदर कुछ आइटम्स होती हैं और उन आइटम्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी मेन्यू आइटम्स होती हैं, उन पर हम क्लिक भी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो होम एक्टिविटी ओपन कर सकता हूँ, या मैं लर्न पे क्लिक करूँ तो लर्न एक्टिविटी ओपन हो जाए। तो इस तरीके से हम इनके क्लिक भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे मेन्यू हैं और मेन्यू आइटम्स हैं, उनको हम एक XML फाइल में डिफाइन करते हैं। ये XML फाइल हमारे एक स्पेसिफिक फोल्डर में रहती है। तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मेरा रिसोर्सेज फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक फोल्डर ऐड करूँगा एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, और यहाँ पर मैं लिखूँगा मेन्यू। और यहाँ पर आप देखेंगे रिसोर्स टाइप का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा मेन्यू और क्लिक ओके। तो ये मेरा फोल्डर ऐड हो चुका है। ये हमारी मेन्यू फाइल्स के लिए डिफाइन किया गया है। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम एक XML फाइल ऐड करेंगे मेन्यू रिसोर्स फाइल की। इस पर क्लिक करेंगे और इसे हम नाम देंगे ड्रॉअर मेन्यू। क्लिक ओके। इसके XML फाइल पर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी मेन्यू XML फाइल है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम मेन्यू के अंदर एक ग्रुप डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ग्रुप डिफाइन करूँगा और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है चेकेबल बिहेवियर। इसके अंदर हम वैल्यू देंगे सिंगल। इस एट्रीब्यूट का मतलब यह है कि इस ग्रुप के अंदर हम सिर्फ एक ही आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने सिंगल दिया है। और यहाँ पे मैं एक मेन्यू आइटम ऐड करूँगा और इसे मैं आईडी दूंगा नैव अंडरस्कोर होम। आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। और इसे मैं टाइटल देता हूँ होम। ऑल्ट कंट्रोल एल से इसे फॉर्मेट कर सकते हैं आप। तो ये हमारी फॉर्मेट हो चुकी है। उसके बाद दोबारा से इसके अंदर एक आइटम ऐड करेंगे और इसे मैं आईडी दूंगा नैव अंडरस्कोर एंड्रॉइड, और इसको टाइटल देंगे एंड्रॉइड। तो इस तरीके से आप एक पूरा मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ आइटम्स पेस कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये हमारा एक ग्रुप तैयार हो चुका है। सपोज़ मुझे एक और ग्रुप बनाना है जो हमारी ऐप के बारे में होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रुप। इसके अंदर भी मैं चेकेबल बिहेवियर दूंगा सिंगल। इसके अंदर मैं आइटम्स ऐड करूँगा आईडी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नैव अंडरस्कोर सेटिंग्स, और इसका टाइटल देंगे हम सेटिंग्स। ऑल्ट कंट्रोल एल। इसके अंदर एक और आइटम ऐड कर देते हैं और यहाँ पर मैं दूंगा अबाउट अस। तो इस तरीके से हम अपनी मेन्यू फाइल डिफाइन करते हैं। उसके बाद लेआउट पर चलते हैं। तो हम अपने नेविगेशन व्यू के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, ऐप कोलन मेन्यू। तो ये एरर दे रहा है, तो यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करें और इसको असाइन करें वैल्यू @menu। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ड्रॉअर मेन्यू आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लें। तो ये हमारा मेन्यू तैयार हो चुका है। इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ऐप रन हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा मेन्यू आ चुका है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे ग्रुप्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सेटिंग्स और अबाउट अस वाली मेन्यू आइटम थी वो हमारी एक ग्रुप के अंदर थी, और ये वाली जो आइटम्स थी हमारे पास एक ग्रुप के अंदर थी। बट इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो उसके लिए हमें अपने ग्रुप के अंदर एक आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आईडी डिफाइन करूँगा ग्रुप वन। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं आईडी दूंगा और इसे आईडी देंगे ग्रुप टू। और इसको दोबारा रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन आ चुकी है हमारे मेन्यू के अंदर। तो इस तरीके से हम ग्रुप्स बनाते हैं। तो जल्दी आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स के अंदर यहाँ पे एक हेडर होता है, उसके नीचे मेन्यू होता है, जैसे कि आपकी जीमेल की ऐप के अंदर होता है। तो देखते हैं वो हेडर कैसे डिफाइन करते हैं। तो हेडर बनाने के लिए भी हम एक लेआउट फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और इसे मैं नाम दूंगा header.xml। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लीनियर लेआउट है। ऑल्ट कंट्रोल एल से इसे फॉर्मेट करूँगा सबसे पहले, और ओरिएंटेशन इसकी वर्टिकल ही है। जल्दी जो हमारा हेडर होता है उसकी जो हाइट होती है उसको हम 172 dpi देते हैं एज़ पर मटीरियल डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स। और इसको मैं बैकग्राउंड दूंगा प्राइमरी डार्क का हमारे, और इसको हम एक स्टाइल देंगे @style/theme_overlay.appcompat.dark। उसके बाद इसके अंदर एक इमेज व्यू ऐड करते हैं, इसे मैं दूंगा 64 dpi, और यहाँ पे भी मैं दूंगा 64 dpi। इसका SSC सेट करेंगे हमारे लोगों से।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा लोगो एकदम चिपका हुआ आ रहा है, तो हम लीनियर लेआउट पे थोड़ी सी पैडिंग देंगे 25 dp की, या आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद जल्दी यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर देते हैं, इसको मैं दूंगा रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सपोज कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐप नेम और इसे स्टाइल देंगे स्टाइल स्लैश, और इसे स्टाइल देंगे हम टेक्स्ट अपीयरेंस डॉट ऐप कंपैट डॉट बॉडी वन, और इसका टेक्स्ट कलर हम कर देंगे वाइट हैश FFF। इस पर थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देते हैं, तो यहाँ पे देता हूँ 16 dp। इसी के नीचे एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे, इसको भी मैं रैप कंटेंट दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट, अपनी साइट का नाम दे देंगे यहाँ पे www.techiedesi.com, और इसे भी कलर देंगे हम यहाँ पे हैश FFF, और इसे थोड़ी सी मार्जिन टॉप देते हैं 4 dp की। इसको भी स्टाइल देते हैं एट स्टाइल स्लैश टेक्स्ट अपीयरेंस बॉडी 2। तो ये हमारा हेडर तैयार हो चुका है। उसके बाद हम अपनी मेन लेआउट फाइल पर चलते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप कोलन हेडर लेआउट, और इसको अपना हेडर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेआउट, और यहाँ पे ये वाला फाइल सिलेक्ट करूँगा हेडर। तो इस तरीके से हम अपना नेविगेशन व्यू तैयार करते हैं, तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा हेडर भी आ चुका है, और ये हमारा मेन्यू आइटम तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपना नेविगेशन ड्रॉअर क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम नेविगेशन व्यू का यूज़ करते हैं। ये हमारा मेन्यू है, हर मेन्यू आइटम के आगे आप आइकन्स भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे अपने मेन्यू पर जाके यहाँ पे आपको आइकन वाली प्रॉपर्टी ऐड करनी होगी, और यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा आइकन आ चुका है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट आइकन्स प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। अभी के लिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं इस पर क्लिक कैसे हैंडल करते हैं। तो अपने कोड पर चलते हैं, तो ये हमारी मेन एक्टिविटी फाइल है, इसके अंदर हम नेविगेशन व्यू सर्च करते हैं, नेविगेशन व्यू, और इसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे नेविगेशन व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो अपनी एक्टिविटी फाइल के अंदर इसको आईडी देते हैं नेविगेशन मेन्यू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा r.id.navigationMenu। ऑल्ट एंटर दबा के इसे कास्ट करें। तो हमारे नेविगेशन व्यू में एक प्रॉपर्टी होती है सेट नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, इसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्ट लिसनर, और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये हमारा एक मेथड आ चुका है, तो इस मेथड की मदद से हम आइटम सेलेक्टेड पकड़ते हैं, जो भी हमारी मेन्यू आइटम क्लिक होती है वो हमें यहाँ पे मिलती है। तो हम क्या करते हैं, एक स्विच केस लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, हम केसेस लगाते हैं यहाँ पे केस r.id. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नैव होम, और अभी के लिए हम यहाँ पे एक टोस्ट जनरेट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लिक्ड होम, और यहाँ पे लिखूँगा ब्रेक टैग। सिमिलरली अगर हमें एंड्रॉयड के लिए क्लिक पकड़ना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा r.id.nav_android, और यहाँ पे भी अभी के लिए टोस्ट लगा देते हैं क्लिक एंड्रॉयड। तो यहाँ पे आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक नई एक्टिविटी भी ओपन कर सकते हैं इंटेंट की मदद से, या फिर आप कोई पॉपअप भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी मेन्यू आइटम्स का क्लिक पकड़ते हैं, इसको रन करके टेस्ट करते हैं एक बारी। होम पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लिक्ड होम, या फिर मैं एंड्रॉयड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आएगा क्लिक्ड एंड्रॉयड। तो ये हमारा नेविगेशन ड्रॉअर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी एक्टिविटी कैसे डिज़ाइन करते हैं, कार्ड व्यू का यूज़ करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।